गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन आर सी एजुकेशन हब। 500 ऑनलाइन क्लासेज। इन प्रीवियस क्लासेज वी ऑलरेडी सी सम पीरियडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स। टुडे कंटिन्यू इन दिस पार्ट वी सी नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, या इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज ई जी ई नोट एट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ई जी ई। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज नोटेड बाय ई ए। इट इज अपोजिट ऑफ आई पी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको माइंड में लेके आना है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आयनिक पोटेंशियल से अपोजिट होती है। दैट मीन्स आयनिक पोटेंशियल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी दी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स को एटम से अलग करने के लिए एनर्जी दी जाती है। बट हियर इज अपोजिट, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है। दैट मीन्स ए एटम ए विच गेन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ए नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, ए नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करता है, तो जो एनर्जी यहां से रिमूव होती है, आयनिक एनर्जी रिमूव होती है, दैट इज कॉल्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दैट इज कम्स इन किलो जूल मोल इनवर्स में इसको मेजरमेंट करते हैं। ओके, ये जो एनर्जी कहलाती है, एनर्जी कौन सी कहलाएगी स्टूडेंट्स, ये एनर्जी कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है वो आयनिक पोटेंशियल से क्या होगी, अपोजिट हो गई, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है वो एनर्जी दे नहीं रहे, यहाँ पर क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। दैट मीन्स ये एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर रिलीज होती है। कब रिलीज होती है ये वाली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, मान लीजिए कोई एटम है, दैट इज एटम, इन दिस एटम वी वांट टू ऐड इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आउटसाइड से आ गया है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होना चाहते हैं, तो ये ऐड होगा, जैसे यहाँ पर एडिशन होगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है ऑलरेडी प्रेजेंट है, नेक्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, आने पर अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन नहीं रिपल्सन होगा, क्या होगा यहाँ पर रिपेल करेंगे, और जैसे यहाँ रिपल्सन होगा तो उसके कारण क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे भी क्या है नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव नेगेटिव है, सेम सेम चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं रिपेल करते हैं, और रिपल्सन के फलस्वरूप क्या होगा यहाँ पर, रिपल्सन के फलस्वरूप यहाँ पर एनर्जी क्या होगी रिलीज की जाएगी, क्या होगा एनर्जी रिलीज होगा, ये एनर्जी कौन सी कहलाएगी भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी, कौन सी कहलाएगी, दैट इज कॉल्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो डेफिनेशन क्लियर होगी, क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या है द एनर्जी विच रिलीज ड्यू टू एडिशन ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इन ए गैशियस फॉर्म ऑफ ए न्यूट्रल एटम टू फॉर्म इन ए आयनिक फॉर्म टू कम्स इज रिलीज कॉल्स एनर्जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और वी कैन सी देयर विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो एनर्जी इज आल्सो रिमूव, सो कॉल्स इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं इसलिए कौन सी कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, और एनर्जी का दूसरा वर्ड है वो कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एंथैल्पी को यूज करते हैं। ओके, एंट्रोपी एंथैल्पी दिस टाइप यू कैन सी इन नेक्स्ट क्लासेस, एंथैल्पी यूज करते हैं, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल दैट इज फॉर रिएक्शंस। नाउ वी सी इन पीरियड, आवर सारणी के जो होता है पीरियडिक टेबल के अंदर वो क्या ट्रेड होता है, जस्ट लाइक आयनिक पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज आल्सो सेम। इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल में आपने देखा था पीरियड के अंदर, और इसके वाले में अगर बात करें अपन आयनिक पोटेंशियल की, तो आप देखते हैं आईपी जो था वो यहाँ से जाने के बाद क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और ये आईपी जो था यहाँ से यहाँ पर जाने पर क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। सेम इसके सेम आयनिक पोटेंशियल की इलेक्ट्रॉन जो एफिनिटी होती है डियर स्टूडेंट्स, इट इज आल्सो इंक्रीज इन पीरियड। पीरियड के अंदर क्या होता है इसका, पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज होती है, जबकि ग्रुप के अंदर क्या होते हैं
अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाती है। क्या जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ओके, ये ट्रेंड अपने को देखना है। पीरियड में ट्रेंड डिक्रीज हो रही है, इस वाले में इंक्रीज हो रही है। रीजन क्या है? रीजन है इसका, फर्स्ट रीजन है अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण है कोई एटम हाफ फिल्डेड या फुल फिल्डेड फॉर्म में आ जाता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, क्या होगा? फुल फिल्डेड या हाफ फिल्डेड फॉर्म में आने के बाद उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? मोर हो जाएगी। और स्टेबिलिटी मोर होने का मतलब है स्टेबिलिटी अधिक हो गई, उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अदर वाले इलेक्ट्रॉन को जोड़ना क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन गेन है, उसकी कैपेसिटी होती है कितने इलेक्ट्रॉन्स को ये गेन कर सकता है, इतने इलेक्ट्रॉन खुद में जोड़ सकता है। अगर उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके अंदर उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी क्या होगा? डायरेक्टली इफेक्टेड होगा, वो डिक्रीज हो सकता है मोस्टली। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल लेके आप उसको एक्सप्लेन करेंगे और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या ऑर्डर आपको यहाँ पर मिलता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक एक एग्जाम्पल इन पीरियड, लिथियम सोडियम ग्रुप में क्या एग्जाम्पल है? देखो, ग्रुप में लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम और सीजियम अप टू डाउन गोज साइज इंक्रीज। क्या इंक्रीज हो रहा है? साइज इंक्रीज। क्यों? बिकॉज जेड इफेक्टिव डिक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होने से क्या हो रहे हैं? साइज इंक्रीज हो रहे हैं। सो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन इजी हो जाएगा, डेट मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। बट वी सी इन पीरियड, यू कैन सी इन पीरियड जस्ट लाइक लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन लेफ्ट टू राइट यू कैन सी जेड इफेक्टिव इज इंक्रीज साइज डिक्रीज। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एफिनिटी इज ऑल्सो इंक्रीज। ओके, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। ये तो था ग्रुप में और पीरियड के अंदर क्या ट्रेंड पाया जाता है उसका अपने यहाँ पर फॉर्मा शुरू किया है। अब बात करते हैं कुछ ग्रुप्स के अंदर, जो ग्रुप अपने पास में विद्यमान है उसके अंदर ग्रुप की अगर बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं उनकी, अपने को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को याद रखना है। सबसे पहले बात करें हैलोजन्स, कौन है भाई हैलोजन्स? ग्रुप नंबर कितने में आते हैं? 17 नंबर ग्रुप में आते हैं। और 17 नंबर ग्रुप में जो हैलोजन्स आते हैं उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो ऑर्डर होता है अपन देखें तो ग्रुप में ये आते हैं अपने पास में कौन कौन से? क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ओके, ये हैलोजन अपने पास में है। तो रियल में देखें तो अप टू डाउन जाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो ऑर्डर क्या होगा? देयर विल बी ऑर्डर क्या होगा इसका? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर अगर अपन बात करें सबसे ज़्यादा किसकी होगी? फ्लोरीन की होगी, फिर क्लोरीन की होगी, फिर किसकी होगी? ब्रोमीन की होगी, फिर किसकी होगी? आयोडीन की होगी। ये वाला ऑर्डर अपने को मिलता है इन रेस्पेक्ट टू अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, बट दैट इज रॉन्ग ऑर्डर। क्या है ये? गलत ऑर्डर है। इसका राइट ऑर्डर क्या होगा? वास्तविक रियल ऑर्डर है। राइट ऑर्डर क्या मिलेगा अपने को? वो इस टाइप से अपने को मिलेगा, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है। इस टाइप से थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन आ चुका है, ये ट्रेंड अपने को यहाँ पर मिलने वाला है। डेट मीन्स क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्लोरीन से ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका रीजन है इस वाले के ऊपर देखें तो क्लोरीन है, सभी हैलोजन एटम होते हैं उनके ऊपर तीन लोन पेयर होते हैं। कितने होते हैं? 3 लोन पेयर आर प्रेजेंट ऑन हैलोजन एटम्स एंड देयर विल बी साइज आल्सो। ऊपर से नीचे आने पर अप टू डाउन आप देख रहे हो साइज इसका इंक्रीज हो रहा है। इसका साइज क्या है? इसकी तुलना में क्या है? थोड़ा सा साइज फैक्टर क्या है? बड़ा है। तो आने वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको गेन करना क्या होगा इसके लिए थोड़ा सा क्या हो जाता है? एजी नहीं होता है, क्योंकि इसका साइज ऑलरेडी काफ़ी छोटा है, जिसको इतना रिपल्सन नहीं हो पाता इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। बट यहाँ साइज बढ़ने के साथ या इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, रिपल्सन भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स से वैलेंस सेल में अगर बात करें तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, यहाँ भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। साइज छोटा है, इसका साइज जो मिडल साइज है इससे बड़ा, इनसे
इनसे छोटा है पर इससे क्या है थोड़ा सा बड़ा है, यहाँ रिपल्सन होगा, रिपल्सन होने के फलस्वरूप क्या होगा इसमें मैक्सिमम रिपल्सन पाया जाए, क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में मैक्सिमम रिपल्सन होगा, और मैक्सिमम रिपल्सन होने के कारण क्या होगा स्टूडेंट्स इसके आयनिक पोटेंशियल सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान फ्लोरीन की तुलना में क्या हो जाएगा ज्यादा हो जाएगा, मोर होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हैलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्रम पाया जाता है। ओके स्टूडेंट्स वी सी द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर व्हाट विल बी दैट वी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इट नोटेड बाय इन नेगेटिव। दैट मींस एनर्जी जो होती है ये कैसी होती है, दो टाइप की ट्रेंड होते हैं स्टूडेंट्स, एक होता है एनर्जी निकलती है, एक कहलाता है एंडोथर्मिक। कैसा होता है एंडोथर्मिक और एक कैसा होता है एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब तो क्या होता है, एंडोथर्मिक मतलब एनर्जी गेन, एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, और एक्सोथर्मिक का मतलब है रिलीज, रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या करते हैं रिलीज करते हैं वो कहलाते हैं क्या एक्सोथर्मिक, क्या कहलाएंगे वो तो एक्सोथर्मिक कहलाते हैं। और एंडोथर्मिक के लिए क्या होगा एनर्जी गेन करती है, बाहर से देनी पड़ती है आपको एनर्जी, जस्ट लाइक कहें तो आयनिक पोटेंशियल के समान है और ये कैसा ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के समान है। ओके दैट इज इक्वल टू एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर यू दैट इज ऑक्सीजन एटम। आप ऑलरेडी देखते हैं आप चाहते हैं ऑक्सीजन जो होता है इससे अपन क्या बनाए ऑटो आयंस बनाए, क्या चाहते हैं ऑटो आयंस का फॉर्मेशन हो। कैसे करेंगे ऑटो आयंस का फॉर्मेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो इसमें टू इलेक्ट्रॉन ऐड है क्या, इस वाले में क्या स्टेप रहेगा, फर्स्ट ऑफ अगर बात करें तो ऑक्सीजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने ऐड कर दिया तो इसका फॉर्मेशन हो गया ओ माइनस का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट वाले में ओ माइनस में आप फिर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दीजिए इसका फॉर्मेशन हो जाएगा ओ टू माइनस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके ये टू टाइप अपन आप देख रहे हैं यहाँ पर दो टाइप के फॉर्म हो गए। फर्स्ट ऑफ में देखें तो ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना क्या है इजी है, यहाँ पर क्या होगा ये वाला अपने पास में ये कहलाएगा अपने पास में कैसा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, कैसा होगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। और ये वाला कैसा होगा अब इस वाले में ये होगा एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। इस वाले में जो एनर्जी है वो लगभग अगर बात करें ये वाली एंथैल्पी जो एनर्जी होती है लगभग अगर बात करते हैं अगर ये 800 किलो जूल पर मोल एनर्जी निकलती है यहाँ से एक्सोथर्मिक एनर्जी निकलती है तो ओ माइनस आयन से एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए अपने को अब एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ से देनी पड़ेगी। दैट मीन्स एच का मान अब क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, किसमें आएगा ये पॉजिटिव के अंदर आएगा, इतनी एनर्जी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी अपन देखे हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कैसा होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। बट इन द फेवर ऑफ ऑक्सीजन फॉर्मेशन ओ टू माइनस आयन देयर विल बी वन स्टेप इज एक्सोथर्मिक दैट इज एंडोथर्मिक और दैट एनर्जी इज मोर कंपेयर टू इट, इस एनर्जी की तुलना में जो रिलीज एनर्जी होती है उससे ज्यादा एनर्जी आपको बाहर से देनी पड़ेगी, इससे ज्यादा एनर्जी। तो रियल में कहें तो इन दोनों का अगर अपन करें तो यहाँ पर एनर्जी पॉजिटिव में है दैट मीन्स आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर बात करें इस वाले की ओवरऑल अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है वो कैसा प्रोसेस है एंडोथर्मिक प्रोसेस, कैसा है एंडोथर्मिक प्रोसेस है, किसके लिए ऑक्सीजन एटम के लिए ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है बट मोस्टली होता है कैसा ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है तो टुडे वी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी व्हाट विल बी द ट्रेंड्स। ओके इन नेक्स्ट वीडियो वी सी नेक्स्ट है और पीरियोडिक टेबल ट्रेंड्स। थैंक यू।